हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सारे अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पे हिट कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल समोसा। कैसे बनाते हैं हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समोसा बनाने के लिए, समोसा के जो लेयर्स होते हैं उसके लिए हम डव बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम मैंने एक लगन ली है और उसमें मैं व्हीट फ्लावर डालूंगी, यानी गेहूं का आटा, और थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर हम आटा गूंदने से आटा का जो डब होता है वो स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं। और अब हम इसका डब बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका डब बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छा सा डव बना लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे और अब आगे का जो फिलिंग होगी समोसे की उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम बनाएंगे समोसे की फिलिंग, जो हम समोसे में फिल करने वाले हैं। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। ऑनियन, कटी हुई प्याज, गाजर, कटे हुए गाजर, चॉप्ड कैरेट्स, और पोटैटोस। ये देखिए पोटैटोस, चॉप पोटैटोस है ये, कटे हुए आलू। बस मैं ये तीन इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसे फ्राई करेंगे। पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। अब हम उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। और ये जो कटी हुई प्याज है हमारे पास वो हम इसमें डाल देंगे। हम ये ऑनियंस जो प्याज है उसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक थोड़ी सी हल्की हल्की फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद में हम जो दूसरे वेजिटेबल्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ऑनियन थोड़ी थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ये गाजर जो कटे हुए हैं वो डाल लेते हैं। और ये आलू ये भी डाल लेते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो ये वेजिटेबल्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं थोड़े थोड़े से। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और
थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी लाल मिर्च, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं। चलिए अब हम इसमें थोड़े से मिंट और कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सारे जो स्पाइसेस ऐड किए थे, सब कुछ जो भी डाला था, सब कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि जो ये हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से मिक्स होकर अच्छे से पक जाए, इसीलिए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो हमारा ये जो फिल करने का जो है ना, समोसा फिल करने के लिए, वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो फिलिंग करने का जो था समोसे का, वो रेडी हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और जो समोसे की पट्टी होती है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने जो डव बनाया था, डव जो समोसे के पट्टी बनाने के लिए, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में अलग अलग बना लिए हैं। अब हम इससे समोसे की पट्टी कैसे बनाएंगे आपको बताएंगे। अब हम एक एक करके सारे जो हमने गोल गोल बनाए हैं सारे, इससे अच्छा रोटी की तरह, जो रोटी होती है एकदम उसकी तरह गोल बेल लेते हैं, उसके बाद में उसको कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। हमें इसे बारीक, जैसे रुमाली रोटी होती है बारीक सी, वैसे बेलना होगा। अब हम इसे बेल चुके हैं, अब हम इसमें कट करेंगे। इस तरीके से नाइफ से हमें इसके पीसेस कर लेना है। हमें जितना समोसा बनाना है, मतलब समोसे का साइज हमें जितना चाहिए होगा, हमें उतना काट लेना है। अब हम एक एक ऐसे पट्टी निकालेंगे और उसमें हमने जो समोसे की फिलिंग बनाई थी वेजिटेबल से, वो इसमें फिल कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसे कैसे फोल्ड करते हैं बताऊंगी। ऐसा एक कॉर्नर को लेके दूसरे कॉर्नर के पास प्रेस कर देना है, बहुत सिंपल है। जो लास्ट एंड बचेगा उसे इस तरीके से प्रेस कर देना है। ये हमारा समोसा बिल्कुल रेडी हो चुका है। सारे समोसे अब हम ऐसे ही बना लेंगे। हमारे सारे समोसे बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम समोसे फ्राई करेंगे। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके ये जो समोसे हैं इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। अच्छा से जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद में हमें इसे मीडियम फ्लेम पे कर देना है और उसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है इसे मीडियम फ्लेम पे रख के फ्राई करना है, तो आप यही कोशिश करें कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही रख के फ्राई करें। अगर आपको लगा कि ये ऑयल फिर से थोड़ा सा ठंडा सा हो गया है, यानी मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है, ये अच्छे से फ्राई नहीं हो रहा है, तो आप इसे फिर से फुल करके अच्छा हाई फ्लेम पर भी फिर से कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से ऑयल गर्म करो और उसी हिसाब से इसे अच्छे से फ्राई करें। हमें सारे समोसों को टर्न कर कर दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो धीरे धीरे सारे समोसों को टर्न कर लें और इसे अच्छे से फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं ये समोसे कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो रहे हैं। समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे सारे समोसों को ऐसे निकाल लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं समोसे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। हम इसमें से अच्छे से सारा ऑयल निकाल लेंगे। और अब इसे रख देते हैं और इसी तरीके से सारे जितने भी हमारे समोसे हैं सारे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे समोसे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी है ये। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। बाय बाय।